आइए आपको दिखाते हैं 4BHK द पैराडाइज वेव स्टेट सेक्टर 85। ये फ्लैट का एंट्री है। एंट्री पे आपका ड्राइंग एरिया है। ये कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपका कोई बेडरूम यहां से नहीं दिखेगा। ये फ्रंट बालकनी है। इसके साथ मैश डोर दिए हैं हमने, स्लाइडिंग है। फॉल सीलिंग अब बेसिक का पार्ट रहेगी। ये अब दिखाते हैं आपको किचन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होम। हमने अपना पूरा फोकस किचन पे दिया है। जैसी किचन आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी आपको। हमने ग्रेनाइट की जगह क्वार्ट्ज पत्थर यूज किया है। ये किचन हम आपको हैटिक दे रहे हैं। यूजली आपको हैटिक किचन नहीं दिया जाता। आपको बॉश का बर्नर, बॉश की चिमनी, बॉश का माइक्रोवेव, और बॉश का ही डिशवॉशर दे रहे हैं। ये यूटिलिटी एरिया रहेगा किचन का फ्रंट साइड पे। ये फुली स्पेशियस डाइनिंग एरिया है। ये एरिया इतना है कि आप इसके इजीली आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं। इसको स्टोर कम पूजा रूम बोल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा आप इसको कैसे यूज करते हैं। ये हमारा गेस्ट रूम है। इसमें फॉल सीलिंग रहेगी। फ्रंट पे बालकनी है। यूपीवीसी फ्रेम्स हैं और स्लाइडिंग डोर हैं। मैश डोर साथ दिया जाएगा। ये गेस्ट रूम का वॉशरूम है। इसमें कूलर्स की फिटिंग रहेंगी। वैनिटी रहेगी। कूलर हमने प्रीमियम ब्रांड यूज किया है। ये मास्टर बेडरूम है। ये बैक बालकनी रहेगी। फ्लैट के दोनों साइड पे बालकनी से। यहां पे भी यूपीवीसी फ्रेम्स और मैश डोर रहेंगे। ये आपके वार्डरोब्स हैं, सॉफ्ट मैकेनिज्म।
मास्टर बेडरूम का वॉशरूम रहेगा। इसमें कूलर का प्रीमियम सेगमेंट यूज किया गया है। पेरेंट्स रूम है, इसके साथ भी बालकनी रहेगी। फ्लैट के हर रूम के साथ बालकनी है। ये पेरेंट्स रूम और किड्स रूम का कॉमन वॉशरूम रहेगा। ये किड्स रूम है, ये हम एज इट इज दे रहे हैं आपको। इसके साथ भी बालकनी रहेगी।